स्टोव क्यों नहीं चलता पिया? चल क्यों नहीं रहा? किधरे तो कैरोसिन तो नहीं मुक गया? हूं मैं की करा? मैं तो भूख ही बहुत लगी भी है। मेरे को इतने पैसे भी नहीं है कि बाहर कुछ मंगवा ला। सिंपल आंटी जी तुसी थे? आओ बैठो प्लीज। ठीक है तू? हूं हाँ जी आंटी जी हूं मैं बिल्कुल ठीक हूं। तू सवेरे का कुछ खादा नहीं? थानू तो पता ही आंटी जी मैंने कुछ भी चाजना बनाना नहीं आता। ऐसा कोशिश ही कर दी भी हाँ पर लगता है स्टोव दा ना कैरोसिन मुक गया। पुत मैं तेरे लिए परौंठे लैन लगी सी पर आंदे आंदे देशो मेरे नाल आण नूं जिद करन लग गई ते फिर मैं तेरे वास्ते कुछ लै ही नहीं सकी। कोई गल नहीं आंटी जी मैनूं पता है तुसीं पूरी कोशिश कीती होनी है। तू चल मेरे नाल मैं तेनूं बाहरों कुछ खा लैनी है। इस हाल च भुखे रहना ठीक नहीं है पुत ते बच्चा भी भुखा है सवेर दा। तू नहीं खाएंगी तां उहनूं पोषण किद्दां मिलेगा? ते आपा डॉक्टर नूं भी मिल के आवांगे। आंटी जी थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। तुसी मेरी इन्नी फिक्र कर रहे हो। मैं थोड़े परिवार नाल कितना कुछ किया है। इन्ना सब कुछ होने के बावजूद भी तुसी मेरा इन्ना ख्याल रख रहे हो। ये थोड़ा वड्डा बन्नी है। नहीं तो कौन किसे लिए इन्ना कुछ करता है? मैं चाहती हूँ कि अरमान का बच्चा बस ठीक रहे। तेरे किते दी सजा इस बच्चे नूं थोड़ी मिलनी चाहिए। एदी तंदुरुस्ती लई मैं कुछ भी करन नूं तैयार हाँ। चल तू तैयार हो जा। हाँ जी। मम्मी जी भी ना इंतजार भी नहीं किता छेती छेती परौंठे घर ही भुल आए। गए कित्थे हैं? मम्मी जी तो कह के गए से कि गुरुद्वारे ही जा रहे ने पर उठे तो सी ही नहीं। जे गुरुद्वारे नहीं सी तब कित्थे जा सकते हैं? मम्मी जी कदे भी इदा दा नहीं करते कुछ। बस ठीक होन मैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मम्मी जी गए कित्थे। मैनू लगता है मम्मी जी पक्का कोई ना कोई वड्डी गल लुको रहे ने। सब कुछ ठीक होए रब्बा। गल करनी पैनी है मम्मी जी नाल। कितना समा हो गया हजे भी नहीं आए। कित्थे रह गए ने मम्मी जी? फोन कर दिया। फोन भी नहीं चक रहे। ठीक होन मम्मी जी कदे भी इदा दे कोई लापरवाही नहीं करते। अज पता नहीं की हो गया। मम्मी जी कित्थे से तुसे? मैं गुरुद्वारे गई सी। तैनू दस के तां गई सी। ते जेड़े परौंठे तुसे पैक कित्ते से अपनी सहेली वास्ते ओ तुसे घरे छड़ गए? ओ हाँ पुत दरअसल मैं काली काली च ओ इत्थे ही भुल गई। मैं गुरुद्वारे गई फिर अपनी सहेली नाल बाजार चली गई। उन्हें कुछ समान लेना सी। अच्छा ओ तां ठीक है। फिर तुसे मेरे फोन क्यों नहीं चुक रहे सी? मैं किन्ने फोन कित्ते थोनू? ओ फोन साइलेंट ते सी ना ता करके मैंने सुनया नहीं होना। चलो वो सब छड्डो तुसी बैठो मैं थोड़े लिए नींबू पानी लेके आऊं। ना पुत मैंने कुछ नहीं चाहिए था। बस मैं हुण आराम करूंगी। मम्मी जी तुसी बैठो
घटो घट पानी तो पी लो, बाहर बहुत गर्मी तो थोड़ी तबीयत भी नहीं ठीक। तुसी बैठो मम्मी जी, मैं पानी लेके आऊंगी। आलो पानी पियो। ठीक है पुत्र, हुण मैं अपने कमरे च जाके आराम कर लेनी। ठीक है मम्मी जी, जे तुहानू कुछ चाहिदा होया तां दस दिओ। ठीक है पुत्र। मम्मी जी तुसी ठीक हो ना? कोई परेशानी तां नहीं? थोड़ी सहेली दी कोई गल, कोई समस्या? नहीं नहीं पुत्र, ऐदां दी कोई गल नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हाँ। तू तां एवीं ज्यादा सोच रही है, तैनूं पता तां है बाहर इन्नी गर्मी है। ठीक है मम्मी जी, जे तुसी कहिंदे हो तां मान लैनी हूं। चल दिशो, हुण मैं चलदी हां अपने कमरे च आराम कर लैनी हूं। मैं अंदर आ सकती हूं? हां दिशो तू आ सकती है, नाले तेनू पूछने की लोड़ है, ये तो तेरा अपना घर है ना। अरमान मैं मम्मी जी बारे थोड़े नाल कुछ गल करनी सी। मम्मी जी बारे गल? हाँ जी, दरअसल मम्मी जी। हाँ मैनू पता है कि मम्मी जी नू इत्थे रहिंदे बहुत टाइम हो गया, तेनू भी चंगा नहीं लगता होना ना, क्योंकि तेनू बाकी सारे भी काम होंदे ने, ऑफिस भी आना होंदा, ते उत्तों मम्मी जी दा इत्थे रहना। अरमान मैं समझदा वां देशो कि तेनू भी दिक्कत हुंदी होनी, नाले सिंपल तां कहिंदी हुंदी सी कि मम्मी जी नू पिंड भेज दो। मैनू माफ कर दे, मैनू सिंपल दा नाम नहीं लेना चाहिदा सी। तू चिंता ना कर, मैं मम्मी नाल गल कर लूंगा कि ओ पापा जी कोल पिंड चले जाण, नाले हुण तां वैसे भी उन्हां दा इत्थे कोई काम है नहीं। हरमान कौन कह रहा है मम्मी जी नू इत्थों चले जाना चाहिए? अच्छा मम्मी जी मेरे उत्ते बोझ ने। देशो मैं समझदा वां, तू फिकर ना कर, मैं सब अपने आप सामलूंगा। हरमान मम्मी जी मेरे लिए मेरी मां नालों वध के ने, तो मैं तो बहुत खुश हाँ कि वो साडे नाल रह रहे ने। ऐ घर जिन्ना मेरा उन्ना ही मम्मी जी दा, तो मैं कदी नहीं चाहवांगी मम्मी जी सानू छड़ के किते जाण। देशो तू ये गल नहीं करनी सी, मतलब फिर परेशानी किस गल दी, गल की हुई है? देशो दस तां सही मैनू, मैं शायद गलत समझ गया वा। हाँ जी अरमान तुसी बहुत गलत समझ गए, मैं तो सिर्फ आ कहण आई सी कि मम्मी जी किसी गल तो बहुत ज्यादा परेशान है, जो साडे कोलों लुको रहे ने, ते वो गल उन्हां नू अंदर ही अंदरों खा रही है। ते तू इस बारे मम्मी नाल गल कीती? दरअसल मम्मी जी अपनी किसी सहेली वास्ते परौंठे पैक करके ले जाण वाले सी गुरुद्वारे, तां वो घरे भुल गए। मैं सोचिया कि मैं उन्हां नू जाके दे आनी है, पर वो मैनूं गुरुद्वारे विच किते मिले ही नहीं। मैं पूछण दी कोशिश भी कीती, पर मम्मी जी ने कोई भी साफ जवाब नहीं दिता मैनूं। क्या कि मम्मी ने फिर अगो? कुछ भी नहीं, कहंदे कि मैं अपनी सहेली नाल बाजार चली गई सी, ते फोन साइलेंट ते सी ते पता नहीं लग्या। मम्मी जी कदे भी एदां बिना दसे किते नहीं गए। तेरी गल भी सही है, मम्मी अगे ते एदां नहीं करदे हुंदे। मैनूं बस महसूस हो रहा है कि किते मम्मी जी किसी परेशानी विच तां नहीं है, पर तुहानूं तां कोई फर्क ही नहीं पैंदा, तुसी कदे मम्मी जी नूं समझण दी कोशिश ही नहीं कीती। हुण की कहां, कोई गल नहीं, मैं आप ही पता कर लांगी की गल। मम्मी परेशान है? जिस हिसाब नाल देशो कह रही है फिर तो मम्मी जी, पर मैं नोटिस क्यों नहीं किया? मैं नोटिस करदा भी किदा, इतने काम का इन्ना प्रेशर जो होंगे, एक तो ऑफिस का काम भी संभालना होंगे, उत्ते नवे बिजनेस का काम। मैनू लगता कि देशो एवं टेंशन ले आ रही है, कोई एडी गल नहीं है, मम्मी नॉर्मली होने हैं। देशो इन्ना काम पता नहीं किवें कर लैंदी है, तां वी थकदी नहीं, अपना तो जलूस निकल गया दो दिन च। मम्मी जी हाँ वेखो ना
किन्ना सारा काम पे बस चावी बन दी भी है। ओ दिशो किते ओ शायद अचार दी डिलीवरी देन गई है अब तुसी थोड़ी हेल्प कर दो अचार च मीठा मुठा पा दो हैं नहीं पुत मैं जाना है आ काम बस हो ही गया ते हुण दसो तुसी जाना किते गुरुद्वारे गुरुद्वारे तुसी आजकल गुरुद्वारे कुछ ज्यादा नहीं जा रहे अब ओ मैं ते देशो गल करते भी सी ना राती ते ओ मैनू दस रही सीगी कि खाली तुसी किसी फ्रेंड नाल बाजार गए सी शायद ओ हाँ पुत्र उन्हें कुछ सामान लेना सी ते देशो भी ना बहुत ज्यादा सोचती है ते पुत्र तैनू ते देशो नू मेरी ज्यादा चिंता करने की कोई लोड़ नहीं है मैं हुण बिल्कुल ठीक हाँ पुत्र देखो मम्मी जी देशो दी चिंता करूगी पर थोड़ा फर्ज बनता कि देशो वास्ते ना होर मुसीबत ना वधाओ उहदे सिर ते पहली बहुत जिम्मेवारियां ने ऑफिस आ बिजनेस ते घर ये सब कुछ संभालना पैंदा ते प्लीज जे हेल्प कर सकदे हो ते ओह करो मम्मी थोड़ा सोचो देशो बारे क्यों किन्ना काम करदी पई है मम्मी सानू देशो दा ख्याल रखन जरूरत है ओह बेचारी किन्ना सोचदी साडे बारे फिर साडा भी फर्ज बनता ना कि उहदे बारे सोचिए मैनू हुण उम्मीद है कि तुसी मेरी ये गल समझोगे ते साडी लाइफ दे विच होर दिक्कत खड़ी नहीं करोगे तू ठीक कह रहा है अरमान मैनू हुण तैनू ते देशो नू होर परेशान नहीं करना चाहिए तू जाके दफ्तर लिए तैयार हो जा ये सब मैं आपे सामने ठीक है मम्मी देशो मैं तो सारा काम करता पिया सी मैं तो इवन परौंठे भी बनाते सीगे ते जो तुम चाह रह गई तो मम्मी कहते उपर जाके तू रेडी हो जा ते ये मम्मी ने साड़ता पता नहीं मम्मी ने होया की है मैं तो कुछ समझ नहीं आ रही सच्ची नहीं पता लग रहा कि मम्मी जी नू होया की है कित्थे रहंदे ने अजकल सही गल है सानू एक बार पता लगाना ही पैना कोई गल नहीं अरमान मैं पूछती हूँ मम्मी जी केड़ी परेशानी उन्हें तंग कर रही है मैं शायद गलत हो सकती हूँ पर मैनू लगता है कि ऐसे जी सारा दी बुलाइए एदे नाल सारे खुश रहेंगे तू मैनू वादा कर सिंपल कि तू कदे भी साड़ी जिंदगी च वापिस नहीं आएगी बड़ी मुश्किल नाल सब कुछ ठीक होया घर च शांति आई है ते मैं फैसला लिया कि अरमान देशो नाल ही खुश रह पाएगा देशो ही है जो अरमान नू संभाल सकती है हुण तां अरमान नू भी देशो दी अहमियत तां पता लग गया देशो दी प्रभाव नाल अरमान भी मेहनती हो गया ओह उहदे व्यापार च तां हथ बटा ही रहा है ਨਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਅਰਮਾਨ ਹੁਣ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਰਮਾਨ ਨਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਫਿਰ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ੋ ਅਰਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾ ਲਏਗੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਅਰਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਸਿੰਪਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਰੁਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੂੰ ਪੈਸਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀ ਮੈਂ ਸਭ ਸੰਭਾਲ ਲਾਂਗੀ आंटी जी थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया मैं थोड़े परिवार के नाल किन्ना माड़ा किता तुसी हजे भी मेरे बारे सोच रहे हो
थोड़ा धन्यवाद। मेरे को और कोई राह भी तो नहीं है। तेरे अंदर मेरे पुत्र का अंश पल रहा है ते मैं उन्हें नजरअंदाज भी तो नहीं कर सकती। मैं तेरे लिए खाना लेके आई, तू बैठ खाना खा ले। तेनू खाने की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं टाइम से तेरे लिए खाना पहुंचा दिया करूंगी। शुक्रिया आंटी जी। तू बस अपना ते अपने बच्चे का ध्यान रख, लापरवाही ना करी। चल पहला खाना खा ले, भुख लगी होनी ना। हाँ जी आंटी जी। लगता है मेरे पुत्त की ना भुख मिट गई है। मम्मी जी, देशो तू इत्थे की करदी पई है? मैं इत्थे? मम्मी जी तुसी इत्थे की कर रहे हो? मैं तुहानू सारे गुरुद्वारे विच लभ लिया, फिर मैनू किसी ने दसिया कि तुसी ओह गुरुद्वारे दे बाहर छोटे कमरिया खोलो, मैं तुहानू लभदी लभदी इत्थे आ गई। ओ मैं हां जी मम्मी जी, दसो तुसी इत्थे किनू मिलन आए हो? कौन रहिंदा है इत्थे? ओ मैं तैनूं दस्या सी ना कि एक मेरी सहेली है ओ रहिंदी है इत्थे, ओदी तबीयत खराब सी ना तां मैं ओदा पता लैण आ गई। ठीक है मम्मी जी, मैं भी मिलना तुहाडे उस दोस्त नूं, मैनूं लैके चलो। क्यों पुत, तैनूं मेरे ते भरोसा नहीं? नहीं नहीं मम्मी जी, भरोसे वाली कोई गल नहीं है, पर जिस दिन ते तुसीं गुरुद्वारे आने शुरू कीता है उस दिन ते तुसीं बहुत परेशान लग रहे हो। मैं थोड़ी परेशानी का कारण जानना चाहती हूँ, मेरे लेके चलो, मैं भी मिलना थोड़ी दोस्त। ओ मैं बिल्कुल ठीक हूँ पुत, मैनू की होया? देख जमा तो ठीक हूँ, तो मैं भी बह मैं पुत। नहीं मम्मी जी, अब आज मैं भी मिलना चाहती हूँ उस दोस्त नू जिन्हों तुसी रोज मिलते हो। आंटी जी की? मम्मी जी मैं महसूस किया कि तुसी मेरे तो ना कुछ जरूर लुको रहे हो। हेलो, चलो मम्मी जी मैनू लेके चलो, मैं भी मिलना थोड़े उस दोस्त नू जिन्हों तुसी रोज मिलते हो। चलो ना मम्मी जी। मम्मी जी तुसी मेनू लेके क्यों नहीं जा रहे? मैं मिलना थोड़ी सहेली नू। पुत मैं क्या ना, ओदी तबीयत ठीक नहीं है, ओनू थोड़ा आराम कर ले। मम्मी जी कोई गल नहीं, इसे थोड़ी देर ले मिलांगे, तुसी चलो मेनू लेके चलो। नहीं पुत, गल मन्नी दी हुंदी है। मम्मी जी चलो, तुसी मेनू लेके चलो। चलो देशो, ये तो इत्थे आन दी जिद कर रही है, हुण मैं की करा? हे वाहिगुरु मेरी मदद करो, किथे लुका मैं? सुनो जी, माफ करना, मैं अचानक ही इदां अंदर आ गई। सत श्री अकाल, मेरा नाम देशप्रीत कौर, मैं इन्हां दी धी हाँ। मम्मी जी ने मैनूं तुहाडे बारे दस्या, वह गुरुद्वारे आते हैं तो तुहानूं मिल के जाते हैं, तो मैं सोचा कि अज मैं भी मिल लैनी हाँ। आप तुसीं इह कुंड क्यों कढ़िया होया? इत्थे तो सारी जनानियां ही ने, तुसी आ कुंड ला सकदे हो, तुहानू मेरे तो शर्मान की जरूरत नहीं है। ओ पुत, एक कुंड नहीं ला सकती। क्यों मम्मी जी? एदे घर वाले ने ना एनू बहुत कुटिया, ते एदे मुंह ते सट दे निशान ने, ए अपना चेहरा ना तां नहीं दिखा सकती। मैनू माफ करना मम्मी जी, मैं तुहानू समझ नहीं सकी, तुसी ऐसे करके इन्ने परेशान रहिंदे सी, इन्हां दी तकलीफ देख के
थानू भी बहुत तकलीफ हुंदी होनी है। हाँ पुत, इस विचारी दा कोई होर है नहीं इस दुनिया विच। तुसी फिकर ना करो, असी सारे तुहाडे नाल आ। जे थानू किसी भी तरह दी मदद दी लोड़ होई तुसी सानू दस सकदे हो। जे तुसी अपने घर वाले दे खिलाफ पुलिस च शिकायत करना चाहुंदे हो तां असी तुहाडे नाल आ। तुसी हुणे साडे नाल चलो, असी तुहाडी मदद करांगे। इदां दे बंदिआं नूं तां छड्डना ही नहीं चाहीदा। इहनां नूं लगदा कि एक मजबूर जनानी नाल इदां दा सलूक कर सकदे। तुसी इदां चुप क्यों खड़े हो? ओ पुत, इह बोल नहीं सकदी, गुंगी है बेचारी। इहनूं माफ करना। देशो पुत, हुण सानूं चलना चाहीदा, इहनूं रोटी खा लैण दे, इह सवेर दी भुक्खी है। हांजी मम्मी जी, तुसी फिकर ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जे तुहानूं कोई भी लोड़ होई तां सानूं दस दिओ। शुक्र है रब दा, बच गया उसका।